हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं लीवर इन्फेक्शन के जो घरेलू उपचार हैं कि यानी कि घर पर हम लीवर इन्फेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, हमारी बॉडी का हर एक अंग, छोटे से छोटा अंग हमारी बॉडी को चलाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि लगभग बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, ये ऐसे अंग होते हैं जो हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो हमारी पाचन क्रिया है उसको कंट्रोल हमारा लीवर करता है। इसलिए हमारे शरीर के स्वस्थ होने के लिए हमारा लीवर स्वस्थ होना जरूरी होता है। आजकल लोग अनहेल्दी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे जंक फूड, ऑयली फूड और फास्ट फूड, जिससे हमारे लीवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। देखो, ये हम जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और कभी कभी हमारी लापरवाही की वजह से जब हम अनहेल्दी खाना खा लेते हैं तो हमारे लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। लीवर पर सूजन आने का मुख्य कारण हमारे लीवर की कोशिका द्वारा अत्यधिक मात्रा में फैट का उत्सर्जन करना होता है। जो हमारा लीवर होता है वो भी फैट का बना होता है, लेकिन उसमें 5 से 10% फैट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करने लगता है। अगर लीवर पर सूजन आना या फिर लीवर इन्फेक्शन के उपचार की बात की जाए तो इसके उपचार के लिए सेव का जो जूस होता है या फिर सेव का जो सिरका होता है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। सेव का जो सिरका या फिर सेव का जो जूस होता है ये हमारे लीवर पर पैदा होने वाले एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, जिससे हमारा वज़न भी कम होता है और उस पर जो सूजन आता है, लीवर पर जो सूजन आता है वो भी घटता है। सेकंड नंबर पर है नींबू का जूस। नींबू में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो लीवर को ग्लूटाथियोन एंजाइम बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जो लीवर को स्वस्थ बनाने में मददगार होता है। एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि जो नींबू होता है, नींबू में नारिनगेनिन तत्व पाया जाता है जो लीवर पर पैदा हुई सूजन को घटाने में मदद करता है। अगला घरेलू उपचार है ग्रीन टी। ग्रीन टी लीवर इन्फेक्शन या लीवर पर आई सूजन को मिटाने के लिए एक रामबाण इलाज या फिर रामबाण की तरह काम करती है। देखो, जो ग्रीन टी होती है उसमें नानो अल्कोहलिक पदार्थ पाया जाता है जो कि लीवर के उन छेदों को बंद कर देता है जहां वसा यानी कि फैट एकत्रित होती है, जिस कारण से हमारी जो सूजन होती है वो जल्द ही ख़त्म हो जाती है। लीवर इन्फेक्शन या लीवर पर आई सूजन को ख़त्म करने के लिए अगला घरेलू उपचार है पपीता। आयुर्वेद के अनुसार पपीता या फिर उसके जो बीज होते हैं वो लीवर में आई प्रॉब्लम्स को कम करते हैं, और जो पपीता होता है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा को जलाने का काम करता है, जिससे हमारा लीवर स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा लीवर इन्फेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जो हरी सब्जियां होती हैं उन्हें उबाल करके उसको सलाद के रूप में भी खाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं हमारे लीवर के सूजन में या फिर लीवर के इन्फेक्शन को मिटाने के लिए। देखो, जब भी हमारे लीवर में इन्फेक्शन या फिर लीवर में सूजन हो तो हमें ऐसी कंडीशन में कभी भी ऑयली फूड, जंक फूड या फिर फास्ट फूड का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है। अगर हमारे शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे जो अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे स्वस्थ बने रहते हैं। लीवर इन्फेक्शन होने पर हमें हल्का भोजन खाना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा जो लीवर होता है उसमें सूजन होती है, और जब हम भारी भोजन खाते हैं तो उससे हमारे लीवर में दर्द होने लग जाता है। तो ये थे लीवर इन्फेक्शन के घरेलू उपचार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।